ये रिकवरी की यात्रा कठिन है। जब आपको कॉल आया, मम्मी ने मेरे को बताया कि सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुआ काफी। T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से टीम इंडिया ने शानदार परफॉर्मेंस दी, साउथ अफ्रीका के मुंह से जिस तरीके से टीम इंडिया ने उस मैच को छीना और भारतवासियों को गर्व करने का मौका दिया, वो काबिले तारीफ है। शायद इसीलिए टीम इंडिया की चर्चा देश ही नहीं दुनिया भर में हो रही है। कुछ पॉइंट्स ऐसे आए जो टीम इंडिया के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुए, और इसी का बखान इन खिलाड़ियों ने उस वक्त किया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें अपने साथ मीटिंग में बुलाया। सबसे पहले तो आपको बता दें, टीम इंडिया को न्योता गया पीएमओ की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनका ब्रेकफास्ट रखा गया। टीम इंडिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त ये सारे खिलाड़ी अपने अपने परिवार के साथ नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, और उसके ठीक बाद इनकी भव्य विक्ट्री परेड निकाली गई मुंबई में, जहां पर एक ओपन बस में ये सारे खिलाड़ी और बीसीसीआई के कुछ अधिकारी नजर आए। आप ये समझ लीजिए कि टीम इंडिया को जिस कदर प्यार मिला, उसका नजारा साक्षात मुंबई की सड़कों पर देखने को मिला। लाखों लोग एक साथ अपने फेवरेट खिलाड़ी को देखने के लिए सड़कों पर मौजूद थे। सड़कें जाम हो चुकी थी, बारिश का मौसम था, बारिश हो भी रही थी, लेकिन खिलाड़ियों को देखने के लिए उनके फैंस सड़क पर टकटकी लगाए हुए नजर आए। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ फैंस तो पेड़ पर चढ़ गए, कुछ फैंस तो रोते हुए नजर आए कि विराट कोहली की झलक वो नहीं देख पाए। इन सब के बीच बड़े बड़े दिग्गज भी टीम इंडिया को प्रेज कर रही हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नरेंद्र मोदी और खिलाड़ियों की उस कॉन्वर्सेशन को अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया है, जिसमें ऋषभ पंत अपनी इंजरी के बारे में बात कर रही हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी ऋषभ पंत की इंजरी के बारे में बात कर रही हैं। लगभग 3 मिनट का वो वीडियो है जो पुष्कर सिंह धामी ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। इसी के साथ पुष्कर सिंह धामी क्या लिखते हैं, जरा सुनिए। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने के बाद वापसी करते हुए देवभूमि के सपूत ऋषभ पंत जी ने अपनी मजबूत इच्छा शक्ति और समर्पण से T20 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन किया। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है ऋषभ। पुष्कर सिंह धामी के इस ट्वीट पर तमाम यूजर्स अपनी राय रख रही हैं और उनकी बात से सहमत होते हुए नजर आ रही हैं। सबसे बड़ी बात, चूंकि ऋषभ पंत उत्तराखंड से ही आते हैं, तो ऐसे में पुष्कर सिंह धामी ने औपचारिक तौर पर भी उनको प्रोत्साहित करना सही समझा। हालांकि पूरी टीम इंडिया को बार बार प्रेज करते हुए नजर आए हैं पुष्कर सिंह धामी, लेकिन जब बात उत्तराखंड के यानी कि देवभूमि के सपूत ऋषभ पंत की हुई, तो एक कदम आगे बढ़कर पुष्कर सिंह धामी ने उनके वीडियो को भी शेयर किया और इसी के साथ लिखा कि वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आप पुष्कर सिंह धामी के इस अंदाज को किस तरीके से देखते हैं? जिस तरह से वो लगातार टीम इंडिया को ही प्रेज नहीं कर रहे, बल्कि अपने उत्तराखंड के खिलाड़ियों की भी तारीफ करते हुए नजर आ रही हैं, स्पोर्ट्स को आगे लेकर जा रही हैं, उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।